Subscribe to my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू मूवी अपडेट्स। इस वीडियो में बात करेंगे मूवी के फोर्थ डे के ऑक्यूपेंसी के बारे में, मॉर्निंग की, इवनिंग की, आफ्टरनून की, साथ साथ आपको बताने वाला हूँ कलेक्शन आज के दिन के अर्ली एस्टिमेट। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए ऋतिक रोशन हो चाहे टाइगर श्रॉफ, दोनों ही एक्शन मूवी के उस्ताद हैं, दोनों ही डांस के उस्ताद हैं और दोनों ही लुक्स में बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले हैं खासकर लड़कियों को। बात करूँ अगर मूवी की तो रिस्पॉन्स तो आप देख ही चुके होंगे, 3 दिन मूवी को रिलीज़ हुए हो चुके हैं, आज मूवी का फोर्थ डे है तो रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। हालांकि स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि ये मूवी एक एक्शन पैक्ड मूवी है, अगर मूवी को कहीं नेगेटिव रिव्यूज़ मिले तो इसका हाल साहो जैसा ना हो जाए, लेकिन जब इसके रिव्यूज़ सामने आए तो वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। ख़ास करके मैं कहूँगा ऑडियंस से तो इस मूवी को इतने ज़बरदस्त रिव्यूज़ मिले कि थिएटर्स के बाहर भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रही। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इसका पहला दिन था जब गांधी जयंती थी, उस दिन छुट्टी थी तो मूवी ने 53 करोड़ का कलेक्शन किया था। उसके बाद कोई छुट्टी नहीं थी फिर भी मूवी ने ज़बरदस्त कलेक्शन किया था 24 करोड़ के आसपास। कल भी कोई छुट्टी नहीं थी फिर भी मूवी ने ज़बरदस्त कलेक्शन किया था 22 करोड़ के आसपास। लेकिन आज तो हाफ डे है, सैटरडे है, तो आज के दिन जो ग्रोथ होगी वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। कलेक्शन बताने से पहले इसकी ऑक्यूपेंसी मैं आपको बता दूँ, फोर्थ डे की ऑक्यूपेंसी के बारे में। मूवी की मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है 25%। जहाँ दोस्तों कम इसलिए है क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी लोग जो होते हैं सुबह उठते नहीं हैं या फिर ऑफिस होते हैं या कुछ होते हैं, क्योंकि हाफ डे होता है आज के दिन। लेकिन जो आफ्टरनून के शोज़ हैं यानी 12 बजे के बाद जो शोज़ मूवी को ग्रोथ जो मूवी ने ली है वो बहुत ज़बरदस्त है। लगभग 40 से 45% की ऑक्यूपेंसी देखी गई है आज के दिन आफ्टरनून के शोज़ की। इवनिंग के शोज़ में भी ज़बरदस्त ऑक्यूपेंसी है और अगर बात करूँ ऑक्यूपेंसी की तो 55% के आसपास की ऑक्यूपेंसी है और एक्सपेक्टेड है कि ये 60% तक भी हो सकती है एग्जैक्ट। वहीं अगर बात करूँ नाइट शोज़ की और लेट नाइट शोज़ की, अगर उसमें भी ऑक्यूपेंसी कहीं ना कहीं 60 से 65% रहती है और लेट नाइट शोज़ में ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा होने वाली है। आज लेट नाइट शोज़ में हो सकता है 70% के आसपास भी पहुंच जाए जो सबसे लास्ट में शोज़ होंगे, क्योंकि कल संडे है, कल छुट्टी है तो लोगों को आज के दिन कोई टेंशन नहीं होने वाली, वो 10 11 12 बजे तक मूवीज़ देख सकते हैं। तो आज के जो नाइट के शोज़ होंगे वो बहुत हाउसफुल जाने वाले हैं, पैक्ड जाने वाले हैं और हो सकता है ऑल ओवर इंडिया से कहीं ना कहीं 70% की ऑक्यूपेंसी भी पहुँच जाए। तो मुझे लगता है फोर्थ डे में मूवी का ज़बरदस्त ग्रोथ होगा। सेफ साइड में मैं कहूँ तो अभी तक रिपोर्ट्स जो इसकी मिल रही है वो है 26 करोड़ 50 लाख के आसपास। जी हाँ दोस्तों, मूवी का आज के दिन का जो कलेक्शन है वो लगभग बताया जा रहा है कि 26 करोड़ 50 लाख के आसपास का हो जाएगा। अब डिपेंड करेगा लेट नाइट शोज़ में कि अगर वो शोज़ बहुत ज़्यादा फुल जाते हैं तो ये कलेक्शन जो है 28 करोड़ भी पहुँच सकता है। और अगर बात करूँ मूवी के टोटल कलेक्शन की तो 127 करोड़ 50 लाख का मूवी का कलेक्शन हो जाएगा नेट ऑल ओवर इंडिया से। और वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो मूवी 171 करोड़ यानी कि 171 करोड़ का कलेक्शन ग्रॉस कंप्लीट कर जाएगी ऑल ओवर वर्ल्ड से। तो ये थी मेरी वॉर मूवी की लेटेस्ट अपडेट। आपको क्या कहना है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें और हाँ वीडियो को शेयर जरूर करें। जब तक आप वीडियो शेयर नहीं करोगे लोगों तक नहीं पहुँचेगी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।